पकड़ो पकड़ो हरिओम। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो धूप आती होगी अपनी सुबह, क्योंकि मैं धूप का वेट करती हूँ कब धूप लगेगी। और यहाँ पे निकाल दिए मैंने इतने सारे कपड़े घर लगाने के, सबको तय लगा के रखूँगी, नहीं तो दिक्कत आ रही है। कौन सा कहाँ, कोई यहाँ पे है कोई यहाँ पे, कुछ पता ही नहीं लग रहा था। तो अरे लग गया, आज समेट ही दूँ सबको, कहाँ से स्टार्ट करूँ। ये काम नहीं होता मेरे से, तब भी सारे कपड़े मेरे बिखरे पड़े हुए थे। यही दिक्कत होती है अगर गांव में शॉप ना हो। तो मैं जा रही हूँ बड़ी, सॉरी, तो मैं जा रही हूँ बड़ी ताई के वहाँ सर्फ मांगने, और छोटी ताई आवाज़ लगाती है कि साबुन है बोला, उनके पास साबुन ख़त्म है, अब कपड़े तो धोने, और पूरा दिन लग जाता है शॉप जाने में। पहले साबुन दे के आती फिर सर्फ लाती, और क्या, छोटी ताई से मांग लेते सर्फ थोड़ा सा। ए बस बस, इतनी जरूरत थी अपने कपड़े धोने को बस। ये मुर्गे देखने होगे नोखे रोज के। रुक चा अंदर बिल्ली लेगी मुर्गे का बच्चा, और वो दोनों घुस गए यहाँ पे। अब डाल रहा हूँ इसको नीचे, मरी बचेगा, मम्मी पूछ कर बोला मर गया है, यहाँ से पकड़ा था उसने। और मैं बैठी यहाँ पे नेवले देखने एक साइड से, और ये चले गए थे कुछ एक परे, और वहाँ पे मम्मी अपने ध्यान में काम कर रहे थे, तब को बिल्ली ने उठा लिया इसे। क्या फायदा इनको पालने का, इतनी मुश्किल से करे थे हमने इतने बड़े, ये अब कहाँ कहाँ से देखने, चारों तरफ से पत्ता ही नहीं लगता। एक तो इधर से पकड़ा है इसको, आठ थे अब चार ही बचे, सबको खा लिया, बस वो चार की बारी आनी। अब देखा नहीं ध्यान, ध्यान से क्या, इतना तो देखते हैं ना क्या। टाइसन अच्छा, यहाँ पे बर्तन मैंने धोए कपड़े फटाफट से। तो चलो जी, अब काम करने का टाइम हो गया, काम करने का। पास थे हम यहाँ पे घर के पीछे, जैसे ये जो यहाँ पे है ये करे हमने साफ, नहीं तो फिर घास काटने के लिए बहुत ही बुरा हो जाता है यहाँ से, और इधर दर्द हो रही, और यहाँ पे लग गई है मेरे, ये देखो हाथ भी कैसे हो गए इधर। चल पड़े अब घर, ताई भी निकल गई, मम्मी भी। और वैसे भी पहले जब हम काम करने आए, मैं, बड़ी ताई और मम्मी, मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि ये तो जल्दी जल्दी नहीं आ रहे थे घर से। और फिर मैं यहाँ पे कह रही, मैंने करना अब काम कुम कुछ, मैं करना ही कुछ नहीं है, और फिर करना तो था। और आज यहाँ जैसे छाला फटने वाला है, क्योंकि ऊपर तो निकला पर दर्द हुई बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं मैंने खुदा ली शायद, मैं ज़्यादा टाइट पकड़ती हूँ तब करके ऐसा होता है। और यहाँ पे हो रही है दर्द इस वाली हड्डी में, क्योंकि ये खिसक गई थी जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब,
और जोर लगा लगा के इसमें बहुत दर्द हो रही है, रात को भी बहुत ज़्यादा हुई। बस मूव नहीं मैंने लगाया, आज मैं मूव लगाऊंगी घर जाके। तो चलो अब मैंने जो है गाय बैल घर ले जाने हैं, एंड उसके बाद जाना है मैंने बोझ लाने बांध का। क्या क्या बोला मेरे को लाने को, ये बोला था मेरे को लाने के लिए और मैं भूल गई थी। और मम्मी की हालत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, मिट्टी मिट्टी लगी है। तो मैं कह रही मम्मी को क्या बनी है, तो मम्मी बोलते मिट्टी में काम करके ऐसे ही होते हैं। बोला ये बात तो है, कपड़े तो गंदे होंगे, मम्मी के मुंह में सा क्योंकि वो गिर गए थे ना जोर लगाते लगाते। यहाँ पे मैं शक्ल दस बोला पड़ी देख मिट्टी मिट्टी लाई रही सारे है कि पूरा मुंह मिट्टी से भर गया। और ये काम दिया मेरे को, ये उठाने अंदर बांधने और भी काम है। ये वाली दो ले। तो चलो चलते हैं, बताइए कि मैंने रस्सी दे दी, वो भी चले गए, मम्मी भी चले गए, तो फटाफट से मैं काम कर लूँ और उसके बाद मैं भी चलती हूँ। तब तक मम्मी बांध बुन काटेंगे, बोझ डाल देंगे वो, तब तक मैं भी पहुँच जाऊँगी। हाँ मम्मी तो गई बांध लगे। यहाँ पे भाभी भी लगे काम करने, इन्होंने भी बांध दिया अपनी गाय और ये ले जा रहे हो फेंकने के लिए। तो शाम को बना रही सिड्डू, तो मेरे को बोला सिड्डू खाने आना। तो चलो अब अगले मिशन पे। तो शाम को सबसे पहले पूछा मैंने किस चीज़ के मतलब सिड्डू, तो बना रहे अखरोट के। तो ठीक है मैं जाऊँगी शाम को अब सिड्डू खाने। राहुल एक देखे डांग आंदा अपने हो, मैं ला रहा अपने ने आंद्र तू से ठीक है। तो फिन के होते परे बांधे हुए, तो ऐसा हो जाता है कि मोड़ पे टकरान हो जाता है, फिर बैल आपस में लड़ते और वहाँ से मतलब गिर गए तो फिर टूट जानी हड्डी उड्डी। तब पहले कंफर्म करना होता है कि या तो मैं लाऊं पहले या तो आप लाओ। इन्होंने ला दी है, बोला पहले ही अपने तो बढ़िया है। हाँ गी मैं जाना घर, प्यास लगी होनी इनको, तो सबसे पहले इनको उठाते एंड उसके बाद चलते हैं। ठीक है हट 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 कुदरो, तेरे इश्क में गोटे खाएंगे। आओ ऐसे रखते हम इनको एक साइड में ढेरी लगा के और अगले साल काम आते जलाने के। ये सब डरते इससे, ये ब्लैक वाला सबको मारता रहता है। ये चली धक्का मुक्की, मम्मी गई उधर जाके बांध काटने। चल 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 चल। तो चलो अब लास्ट काम बचा वो झलाना। मैं सोचा था जब तक मैं पहुंचूंगी मम्मी ने भर दिया होना रस्सी में, लेकिन वो तो अभी पेड़ पे, तो कोई बात नहीं। साथ में जब काम करते तो ज़्यादा लगता भी नहीं है, थकते भी नहीं है ज़्यादा। और एक भाई है ऊपर बेले पड़े, कभी फ़ोन में गप्पे मारने, कभी इधर कभी उधर। बड़े दिनों बाद आई ऐसी खेतों में, तो या तो घर में होती थी या तो जंगल में, तो गेहूँ भी हित इतनी हो गई है और लहसुन तो अपना हित इतना सा। अभी वेस्ट झाड़ू ना इनके ही बनते हैं, आप इनके झाड़ू सालों साल चला सकते हैं। तो हमारे गांव में इनकी ही झाड़ू यही यूज़ करते हैं हम, बाज़ार से तो हमने कभी झाड़ू लिए भी नहीं है। तो इनको बोलते हैं हम खज्जरे, अपनी पहाड़ी में बहुत कुछ बनता है। इनका झाड़ू भी बनता है और रोटी रखने के लिए भी बना सकते हैं आप इनके ये जो पत्ते हैं। इतनी दूर जाके आए मम्मी ना, यहाँ उधर जाके राम आ रहा गाँव और ये घर के नीचे की चढ़ाई, पहले यहाँ से उतरना नीचे नाले के, वहाँ पहुँचना फिर चढ़ना उधर जाके। तो मैं आ गई अकेली और मम्मी ने अपना बोझा डाला नहीं था। मम्मी ने बोला तू अपना उठा और मेरे को रखना घर जाके, पानी आग जलाना बोला, क्योंकि उन्होंने जाना है बुआ के घर में आज, वहाँ पे खाना पीना कुछ तब करके। तो मैं नहीं जा रही, रात को कौन जाए फिर वापिस आना घर। तो मैं कहा ठीक है आप आना आराम से, मैं चल ली फिर। चलो घर पहुँचते पता है क्या, बाकी सब ठीक है। वो जो ऊपर मतलब जब
ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, चाहे बोझा कितना भी भारी हो, मतलब इतना नहीं लगता जब नीचे की साइड से ऊपर की तरफ चढ़ते ना और पेट पे बोझ जाओ ना, तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। और आज मम्मी कहाँ चले गई थी नीचे की साइड, खैर इतना सा कष्ट कर लेते हैं। जल्दी जल्दी ये वाला काम भी निपटा देते हैं। मैं तो लुट पुट गए हम काम में। कई बार मेरे को इतना ज्यादा टाइम लग जाता है आग जलाते जलाते, जलती नहीं, कई बार सीधे जल जाती है। आज वेले एक ही बजे सो हो गया अपना काम भी, फिर शाम भी ढल गई और ब्लॉक को भी रखते इतना ही, और साथ में हालत भी खराब होगी और जाला भी लग गया। तो मिलूंगी ऐसी आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बाकी वीडियोस के लिंक सामने आ रहे तो तब तक वो वाले देख लो जाके। रही टाटा।